बड़ा प्यारा लग रहा था, इसी को देख कर मेरा भजन याद आया, मैं यूं जरूर गाइए। Oh,
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਓੜਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਪੱਲਾ ਪੜਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਾ ਪੜਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਵਾਹ ਕਹਾਣੀ ਮਾਰਾ ਘਰਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੜਨਾ ਕਿ ਬਹੁ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੋਨੀ ਪਤਕਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰੱਖਿਆ ਹੂੰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਚ ਵਿਚਾਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਰੇ ਸ਼ਾਰਦੋ ਰਤ ਕੁੰਭ ਥੁਰਾਣਾ ਕੀ ਨਾ ਉਨਕੀ ਉਸਕਾ ਸਮਝ ਮਾਂ ਨਾ ਉਨਕੀ ਸਮਝ ਮਾਂ ਮਾਰਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯੂ ਰੋਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਮਾਂ ਆਈ ਵਾ ਅੱਠੇ ਬੱਠੇ ਕਾ ਜੁਗਰੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਸਨੀ ਆਪਣਾ ਵਾ ਬਗੜੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘਣੀ ਬੋਲਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾ ਘੱਟ ਸਮਝ ਮਾਂ ਆਵੇ ਵਾ ਸਰੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੋਲਾ ਛਿੜਕਿਆ ਸਰੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਾ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਜੀ ਥੇ ਬਤਾਓ ਉਹਦੀ ਕਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਜੀ ਥੇ ਬਤਾਓ ਕੁਚਲੋ ਦਿਉਂ ਛੱਡ ਦਮ ਤਾਰੂ ਉਸ ਕੁਚਲਾ ਛੱਡ ਦਮ ਕਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਸਕਾ ਕਹਿਣ ਕਾ ਮਤਲਬ ਥਾ ਕੁਚਲਾ ਦੇਣ ਕਾ ਮਤਲਬ ਝਾੜੂ ਕਾਢੂ ਪਕੜੀਏ ਵੇ ਕੁਚਲਾ ਦੇਣ ਕਾ ਮਤਲਬ ਥਾ ਝਾੜੂ ਕਾਢੂ ਛੱਡ ਦਮ ਤਾਰਨ ਕਾ ਮਤਲਬ ਥਾ ਦੂਤ ਬੁਲਾਉ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਾ ਬਾਤ ਪੱਲੇ ਕੁਨ ਪੜੀ ਨਿਬਲੀਏ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਕੇ ਕਹਿ ਬੋਲਾ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਥੇ ਬਤਾਓ ਕੁਚਲੋ ਦੂ ਛੱਡ ਦਮ ਤਾਰੂ ਨਿਬਲੇ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਕਰ ਲੈ ਕਿਉਂ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਛੱਡ ਦਮ ਤਾਰੀ ਕਹਿ ਸਤਾਰੀ ਛੱਡ ਦਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਹਾਂ ਰੋਲਾ ਕਰੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਥੇ ਬਤਾਓ ਕੁਚਲੋ ਦੂ ਛੱਡ ਦਮ ਤਾਰੂ ਨਿਬਲੀਏ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕੁਚਲਾ ਦੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤਾਰੀ ਦੇਗੇ ਤੂੰ ਸੁੱਕਾ ਏ ਰੋਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਵਾ ਮਾਰਲੀ ਵਾ ਤਰਲੀ ਬੋੜੀ ਆਉ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲਿਥੀ ਘਰਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਰਾਂ ਜਾਰੀ ਥੀ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਆ ਗਈ ਨਿਬਲਿਆ ਏ ਬਹੂ ਤੇਰੀ ਸਾਸੂ ਕੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਬਟੇਰੀ ਉਸਨੇ ਸੋਨਾ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ ਵਾ ਫਿਰ ਸੋਨੀ ਪਤਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਬ ਕਿਤ ਕੀ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਵਾ ਨਿਬਲੀ ਤਾਈ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਤਾਂ ਉੜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿਤਵਾੜਾ ਮੈਂ ਗਿਤਵਾੜਾ ਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਾ ਨਿਬਲੀ ਆਏ ਕੇ ਕਾ ਥੀ ਬਹੂ ਬੋਲਾ ਜਬ ਕਹਿ ਦਿਆ ਨਾ ਤਾਈ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਤਾਂ ਗਿਤਵਾੜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁੱਢੀ ਆ ਗਾ ਗਿਤਵਾੜੇ ਸਮਝ ਮਨੀ ਆਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂ ਮਤਾਈ ਕੇ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਪੜੀ ਨਿਬਲਿਆ ਰੇ ਬੇਟਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਤਾ ਮਹਾ ਬੁਲੀ ਮੈਂ 80-85 ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਿਤਵਾੜੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਫਸ ਗਈ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਬਹੂ ਕਥੀ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਤਾਂ ਗਿਤਵਾੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਂ ਵਾ ਨੂੰ ਕਹਾ ਬਟੋੜਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ आज मैं बालाजी महाराज के दर्शन करने जाऊंगी निबली बौली ना बना कर धंधा कर ले बोली ना वाह बहू अपनी सासू ने मीठी मीठी बोल कर मनान लग गई निबली देख मेरी बात सुन ले तो तना माननी पड़ेगी और कैसे अपनी सास को समझाती और मनाती है ये बुढ़िया तो नहीं सोचे हैं कि जोकर तम ना गा तोड़ के काम करानी हुए काम कराइए और रास्ता करनी है पहली एक गजे मारी छोरी काम नहीं करेगी और तारी छोरी सांप पकड़ेगी काम नहीं करेगी तो ये रिश्ता करनी है पहली एक गजे मारी छोरी काम नहीं करेगी और ये बुढ़िया ने सोचा जो कर काम न भी गात पे लिया है काम नहीं हुआ बहु पेल है इतना काम तो कोई नहीं करेगी क्यों आजकल की पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट के सामने और ये मीठी बोल बोल कर बुढ़िया की रेल बनाते हैं वह समझाने लागी बोली देखे री मैं तो जाऊंगी बोली कैसे क्या बता दिया बोला Thank you.
Oh,
ताई का पुराना दर्द मैं पड़े है, बैठी बैठी भी न्यू कर मारा गया। मेरा कक्का है और उसका मेरी मौसी से मेरी माँ की बेबे, और मेरी माँ ने तो कदी नहीं नाचना यार। मेरी मौसी बहुत कितने भी कि मैं गांधी बजांदी सुट जंदी उड़े पहुंच जंदी। और एक दिन वो अंधेरा हो रहा था, अंधेरा में ठोकर ला के पड़ गई, उसके गोटे फूट गए। जब वो जाओ थी नाचने खातर, जब फूट लिए गोटे और वह उल्टी आ गई। मेरा काका ने बोला के हो गया, नुबली के हो गया, गोटे फूट गए। बोला नाचन तो फिर भी नहीं हटी थी, पड़ी पड़ी न्यू जरूर करे तो ये गुड़िया मतलब तुम्हें दम थाए। ये तो पुराने गीते के गीत की मैं सुन ले कि मैं पूछ ले, और ये आजकल आई नहीं नहीं है, नहीं खत्म है जमा 0%। आगा कहीं ये जुड़ सही है मंडा सा बैठे सुन लो, फिर आप सीटने मिला करते कोई नहीं मिलते, टैप में चला के सुनने पड़ा करेंगे तो हम नापे इंदी गाना को नहीं आता कि मैं और कितने छाल सीटने का कहने बार दे ब्याह के गीत सारे साचे को नहीं होंगे, और ये सीटने दिया कर दीजने दिया नहीं इतनी मुनी मुनी गाल दे दें दी, फिर भी चाह चले रंदा मन सागे आगे को नहीं पाऊं। वह चीज वह हमारे चाह थे, वह को नहीं पाऊं आगे, वह तो गले लिपट लेंगे इनके। और इन दी मैं तो कया करूं हम नहीं नहीं आना बहुआ ना बेबिया ना बेबे सीख लो कि मैं ना दे टैप रिकॉर्ड खत्म हो लिए नहीं तो फिर कुछ नहीं। कैसे क्या बता दिया सारी उम्र काम धंधे में खो दी कि मैं तो कर ले भगवान का भजन तो आखिरी टेम आ रहा है। वह बुढ़िया ने बोली हम नहीं लिया करते भगवान का नाम, मारा क्या का थोड़ा है। बोली तू पुराने टेम ने याद करके कर ले। बोली ना बुढ़िया ने भगवान का नाम नहीं लिया, बहु रीज ली और पड़ोस में चली गई। पड़ोस में बुढ़िया थोड़ी सुंदर विचारा की थी, वह बरती रह रही उस दिन बरती थी भगवान बालाजी महाराज की। वह बुढ़िया ने गाल में तुम्हारा रुका, ए फलानी की माँ
बुलाए बे प्याज दोनों बैठी बतलाई बुलाए बे बेके बात नू कुकर बैठी है नू बोली बे प्याज में परती हूँ बोला अच्छा हाय यू पर किसाव है कि ऊपर रखा कर है के खाया कर इसमें नू बोली बे भी तो कि मैं खा नहीं चागी ले लूंगी फल फ्रूट खा लूंगी और बुढ़िया थी खान की लाड़ी उसने सोचा इसमें फल फ्रूट मिला है उल्टी है आगे कर चाचा पी रखी थी बुढ़िया ने खा कि मैंने रखा था बहू ने कही एक दोहरी साड़ी हुआ घर लिगड़गी और बाहर सुन दिया उल्टी फिर आगी नू बोलिया ठीक सा बलवान की बू तो तड़का ना पर डाओ थी मैं भी बरती हूँ आज बोले अच्छा री बोले हाँ बुढ़िया का चेहर छोरे चेहरू बढ़िया बढ़िया नौकरियां पे सारी चीज की मौज कर मैं बोली ठीक से मैं भी आज बरती हूँ एक छोरा मास्टर एक छोरा पटवारी एक पुलिस में और एक फौज में बुढ़िया पारणम बैठ गई पैर पसार गए वो मास्टर जी बड़का की छुट्टी करके घर आया एक दर्जन स्केड़ा के लिए आया बारना में बैठी बुढ़िया देखता बोला माँ न्यू कुकर बैठी आज नुबली बेटा आज मैं पढ़ती हूँ बोला अच्छा बड़े दिन भाग मारे मेरी माँ का कल लागी भगवान का नाम लिया अच्छी बात से आगे सुतरी जुन्नी मिलेगी इतना की मिनकी में बुढ़िया ने बोला बोला माँ ला एक दर्जन केड़ा ही लिया था बड़का का तू खा लिए न्यू के न्यू सूदा पापड़े वहां एक दर्जन केड़े खागी बढ़ती थी बुढ़िया थोड़ी बार में थोड़ी बार में दूसरा छोरा पटवारी साहब आ गया छुट्टी करके वो एक किलो सेब ले रहा और बुढ़िया उड़े बरना बैठी बोला मां न्यू कुकर बैठी है तो पर पसारे दे दिया मैं न्यू बोली बेटा आज मैं बरती हूँ बोला फिर कि मैं खान पीन का बोला ना कि मैं नहीं बरती हूँ मैं तो बोला ले एक किलो सेब लिया था बड़का खाते तू खा लिए सोदा पापड़े एक किलो सेब खा गया बुढ़िया बरती थी थोड़ी बार में वो पुलिस वाला का सूत बैठ गया पुलिस वाला किते दिहाड़ी बना के ले आया था एक किलो मोह की मिठाई ले रहे हो और बारणम बढ़ते बुढ़िया बैठी बोला मां न्यू कुकर बैठी है बोला बेटा आज मैं बरती हूँ बोला फिर कि मैं फल फ्रूट की मैं खा नहीं बोली कि मैं नहीं बस बरती हूँ बोला ले एक किलो मोह की मिठाई ले आता तू खा लिए न्यू की न्यू बिना चाह बिना दूध बिना पानी एक किलो मोह की मिठाई सरकाय की बुढ़िया बरती थी वह न्यू बैठी ना के खान खाऊंगा सांझ होगी इतना फौजी का सूत बैठ गया आनगा और फौजी एक किलो चिक्कू ले रहा और बुढ़िया पालना बैठी और ये सूद हिंदी बोल रहा फौजी बोला माता जी ऐसे कैसे बैठे हो नुबली बेटा आज मैं बरती हूँ बोला फिर कुछ खाया नहीं है आपने नुबली कि मैं नहीं भाई केड़ा की फड़ी लिया था वहां खा ली थी कि मैं उस तो छोटना भाई सेब लिया था थोड़ी वह खा ली थी थोड़ी मिठाई लिया था वहां खा ली थी और अब भी तरबू आंगली दिखा ली तीन किलो सामान खा रही है वो फौजी बड़ा कानून का पक्का है बोला ले भी एक किलो चिक्कू खा लेंगे सुधा बीजे में चिक्कू खागी बुढ़िया एक किलो उस फौजी का दिमाग फिर क्या घूम गया नहीं बोला मानू तो बता दे तेरा बर्थ खुलेगा कोई न्यू बोली बेटा शांत न छपया बादशाह खुलेगा एक ढोल लड़ा लेकर काम की थाई पर चढ़ गया नहीं बोला सुनो 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 चौधरी हो आज शाम न 7 बजे बादशाह अपने अपने बड़का ने भीतर बांट दियो मेरी मां बर्थ खोल लगी
छोरा वो फौज में लाग रहा, ब्याह दिया था दिया, वो फौजी फौज में चला गया, गरा बुढ़िया और वह बहू, बहू इतनी बढ़िया घर आ गई, आ रही पढ़ी लिखी पूरी इंटेलिजेंट सारी चीजों में, और वह बुढ़िया उस बहू ने काम में की कोई नहीं कर, मैन बीमारी के है इन बहुआ ने सर पर पहले बुढ़िया बिठा बहू को बैठती अंते तो इन काम काज खुलाने देने को ना बेटी फिर पर थोड़ा बड़ा यू काम तो मैं करूंगी ना बेटी यू काम तो मैं करूंगी फिर वह बन जाए बुआड़े बैठ जाए उतरे को नहीं उनकी शाबा जे इनका हाई बुढ़िया की चाबी नु चल लगी सरपा बैठ जाए फिर वे फौजी फौज में चला गया और उस बहू ने उसका पूरा शाब आ गया बुढ़िया कुकर काम करेगी कई दिन हो गए बुढ़िया तड़के कुआं डांगरा का कण लिगड़ जे कुआं खेत में लिगड़ जे कुआं कित लिगड़ जे वह बहू का ऊपर टेलीविजन चल रहा और उसमें धारावाही कुम कुम भाग्य चल रहा सारा दिन टेलीविजन देखो ऊपर और बुढ़िया काम धंधा करके हुआ अंधारी थकी ए बहू और बहू क्या ना सुने बहू पहली एक काम करते बोला मम्मी जी मैं प्रयास करूं आप एक कप चाय बना दो मेरे लिए बुढ़िया ने सोचा ले बना दे के कौन खाऊंगा छा भी ना मत तोड़ गड़ी बुढ़िया अरे फौजी छुपी आ गया आंदे देखा बुढ़िया डांगर डोर की करके आई पड़िया बैठी न्यू मुंह करे बोला मां न्यू मुंह कर बोले बेटा बस पूछा ना बोले के बात बात के है न्यू तो बता बोले बेटा पूछा है ना बोला तू न्यू कुकर है मैं ठीक ठाक छोड़ के कहा था तू थक ली जमाए न्यू बोली रे बेटा बस पूछ है ना बोला तू की मैं बताऊगी जितने मेरा पटका मन है बोला बहु लड़ा है गुड़िया ना छाती में मारा मुक्का जे लड़ ले तो मेरा टिमराय नहीं फूट जे लड़ दिया तो कोई नहीं छोरा ने भी सोचा गुड़िया तो घनी दुखी कर दी बोला कोई बात नहीं मां समझावांगे इबुआ बहू छोरा ना समझाई ये के समझा करा फिर जुन सी पट्टी पट जे पटे जे आजकल ऊपर भी सुनाई नहीं की ज्यादा है सारे कानून का बेरा पट गया इंदी ये पिटे जानी छिटे जानी बूढ़ा बाड़ा सांटे खाए जानी इंदी बेरा गुण थकड़ जाना है अड़े कमाई रड़े पिटी और इंदी सारे कानून का बेरा है छोरा ने भी सहज सहज समझाई कोई नहीं मानी उसने नु सोचा कि मैं तो शर्म आवगी निबला मां तड़कर इंतजाम करांगे इसका मार बेटा दोनों तड़के चार बजे उठ लिए एक झाड़ू के चमड़ गए बुढ़िया तो आपका नहीं खाचा बोला ना बेटा मर्द मानस तू झाड़ू काटेगा मैं काटूंगी झाड़ू और छोरा आपका नहीं खाचा मां तू बूढ़ी लुगाई जाटे काटे तेरे पर झाड़ू निकड़े मैं काटूंगा दोनों खेचे खड़े हो उसका नहीं खाचा उसका नहीं खाचा ऊपर तो उस खागड़ी ने जागागी बोली क्या कदरफंड मचा रखा सवेरे सवेरे बोला कदरफंड के है मेरी माँ बूढ़ी लुगाई काम करने जो की थोड़ी रह रही है मैं तीनों को हूँ मैं काटूंगा यादू का मैं काटूंगी बोली फिर इसमें रोड़ा करने का के चक्रा है एक दिन तू काट ले एक दिन तेरी माँ काट लेगी कैसे Oh,
सिस्टम है, कुछ ठंड मार रही है और एक दो भजन के बाद कलाकार थोड़ा खुला कर रहे हैं। आपके बीच में बढ़िया से बढ़िया कलाकार बैठे हैं, बढ़िया प्रोग्राम चल लगा और वो बुढ़िया लास्ट में क्या करने लगी बुढ़िया ना बहू पूरा भजन की रतन हो काफी देर से इंतजार था वो घड़ी आपके